दोस्तों, अगर आप भी फाइल्स बाय गूगल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें सेव फोल्डर को आपने एक्सेस किया ही होगा। तो सबसे पहले उस सेव फोल्डर में पिन सेट करना होता है, और आपने भी वो पिन सेट किया और भूल गए हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको रीसेट कर सकते हैं और वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए अपने चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और कैसे रीसेट करते हैं वो बताता हूँ। पिन रीसेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से पिन रीसेट करने से सेव फोल्डर में उपस्थित डाटा या फाइल्स डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर ले कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये ओपन करने के बाद मैं एक पिन सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पिन सेट नहीं कर रखा है। तो ये सेट है पिन टाइप करता हूँ, नेक्स्ट पे ओके करता हूँ, वापस कन्फर्म करता हूँ और नेक्स्ट ये ओपन हो गया। गॉट इट पे क्लिक करता हूँ, अब इसके बैक आ जाता हूँ। अब मैं आपको रीसेट करके बताता हूँ। रीसेट करने के लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें एप्लीकेशन डिटेल पे ओके करना है। तो ओके कर देता हूँ, ये ओके किया। तो आपको इसमें स्टोरेज पे जाना है, स्क्रॉल करके ये स्टोरेज पे गया और क्लियर स्टोरेज ये ओके वार्निंग दे रहा है। ओके पे क्लिक किया, ये क्लियर हो गया। अब मैं वापस आपको सेव फोल्डर पे चलता हूँ, ये ओके किया, ये अलाउ कर देते परमिशन, ये अलाउ किया। इसके बाद सेव फोल्डर पे गए तो ये देख सकते हैं सेट ए पिन, वापस रीसेट करने का ऑप्शन आ रहा है। पर इसमें नेक्स्ट करते हैं, कंफर्म वापस पिन करते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट और गॉट इट पे ओके करते हैं। तो इस तरह से आप पिन रीसेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।